chica pa capon pa tem pa pa tem conta que leva tipo pa 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 bo e a morte vai dar que pa pa pi ali se watch me sorry हम किस अनपढ़ से बात कर रहे हैं तुम जाने बुझा कर नहीं होगा चौकीदार क्या कहा चौकीदार तो कहे शानदार बंगले का मालिक हो तुमको बोलो ओ तुम्हारी ये औकात तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा हैं हम राजा का दोस्त किधर हो जा वो गया जानू में ए, तुम दो कौड़ी का आदमी अपने मालिक के लिए ऐसा बोलते घर उसको बोलते तो नौकरी से निकलवा देता हूँ और मैं तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल देता हूँ आपको मेरी वजह से काफी बेइज्जती सहनी पड़ रही है ना आओ बैठो सी आओ बड़ों के डांटने से छोटों की बेइज्जती नहीं होती है उनकी डांट में तो कहीं ना कहीं प्यार छुपा होता है और तुम जरा सोचो भगवान ने सुनने के लिए कान ही देना था तो क्या उसके लिए एक कान काफी नहीं था उसने दो कान क्यों दिए एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेने के लिए हाँ एक जरूरी बात हम दोनों की प्यार की कहानी एक होनी चाहिए वरना पता चल तुम कुछ और बोल रही हो मैं कुछ और बोल रहा हूँ दोनों फंस जाएंगे तो कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी मेरी मुलाकात मेरे अनाथाश्रम हो गई मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर मैं पैसा कमाने के लिए न्यूजीलैंड चला गया और न्यूजीलैंड से जब पैसा कमाकर लौटा तो तुम्हारे डैडी के डर से हम लोगों दोनों ने मंदिर में शादी कर ली ओके ओके आप कूल रिलैक्स हाँ बेटा दादाजी आप बेटा मैं बलराज की गलती की माफी मांगने आया हूँ हमारे तो मेहमान को भी भगवान मानते हैं और उसने अपने दामाद के साथ ऐसा बर्ताव किया बेटा मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ नहीं नहीं दादाजी ऐसी कोई बात नहीं अच्छा दादाजी एक बात बताइए आपके ये जो बेटे हैं मतलब तेरा ससुर या ये पिछली बार कब फंसे थे पिछली बार मतलब कितने साल हो गए इस बात को तुझे याद है नहीं याद नहीं है इनका क्या एक ही फिक्स एक्सप्रेशन है गुस्सा अरे उसके बदले मैं हंसता हूं ना ये दो बिस्तर अलग क्यों वो दरअसल क्या है ना दादाजी कि जब मैं बिस्तर पर सोता हूँ तो मेरी पीठ में दर्द हो जाता है और जब ये जमीन पर सोती है तो इसकी पीठ में दर्द हो जाता है इसलिए मैं जमीन पर सोता हूँ और ये बिस्तर पर सोती है झूठ बोल रहा है ना मुझसे झूठ बोल रहा है दोनों में झगड़ा हो गया ना वो भी इसके बाप की वजह से अरे कैसा ससुर है कि अपनी बेटी और दामाद के बीच में झगड़ा लगाता है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उसको आज ठीक करके अरे नहीं नहीं दादाजी ऐसा बोलते तू आज मैं उसको समझाऊंगा कि वो मेरा बाप नहीं मैं उसका बाप हूं देख तू आज आज मैं क्या करता हूं दादाजी क्या बात है मैं तुझे गुड नाइट कहना भूल गया था गुड नाइट क्रिसमस मरे जुस्तानी कही दादाजी हाँ बेटा ये पुतला देख रहे पीछे पुतला ये पुतला है ना दादाजी हाँ? इसको हटाइए और खुद खड़े हो जाइए ना कम से कम चिड़िया और कौवों को डराने के काम आएंगे आप वैसे तो आपसे कोई डरता नहीं है इज्जत से बात कर इज्जत देने का मौका कहाँ दिया आपने मैं तो सोचता था कि आप घर के बड़े बूढ़े मगर आप तो सिर्फ बूढ़े निकले बड़े तो आप है ही नहीं आप तू मुझे ललकार रहा है ललकार नहीं रहा हूँ मैं आपको धुतकार रहा हूँ बोला आप समझने की कोशिश कीजिए ना दादाजी अच्छा आपने अपना नाम क्या बताया था क्या नाम आपने मेरा नाम भूल गया पत्थर के हाँ कुछ सिंह सिंह है ना वो कुछ सिंह सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह सिंह का मतलब शेर होता है जंगल का शेर मगर आप ऐसे सर्कस के शेर कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे आपसे तो कुछ होता ही नहीं अच्छा अब देख मैं क्या करता हूँ नहीं कुछ करने की जरूरत अरे तू देख मैं क्या करता हूँ यू कैनॉट कैनॉट यू कैनॉट दादाजी आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं मेरी तुझे कहानी सुनानी है कहानी एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे एक दिन लड़के ने देखा कि कोई और लड़की खुदकुशी करने जा रही है लड़के ने उसे बचाया
उसे खुदकुशी का कारण पूछा। उसने कहा मैं जिस लड़के से प्यार करती हूं उसने मुझे धोखा दिया, मैं घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। उसे दया आ गई, उसका नकली पति बनकर उसके घर गया। मगर इत्तेफाक देखो, ये घर उसी लड़की का निकला जिससे वो खुद प्यार करता था। ये लड़की उस लड़की की बड़ी बहन निकली। दादाजी ये कहानी कुछ सुनी सुनाई से लगती है। सुनी सुनाई से नहीं, देखी दिखाई से लगती है। क्योंकि वो लड़का मैं हूँ, वो प्यार तुम हो, और वो लड़की तुम्हारी बहन शर्मिला है। हाँ बेटी, ये सच है। ये बेचारा तो सिर्फ मदद करने आया था। राजू। अरे शर्म करो, मैं सामने खड़ा हूँ। मुसीबत